26 जनवरी को इस तरह की हिंसा राजधानी में फैलाने कितना कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का? अंजना जी कोई लेफ्ट पार्टी का झंडा वहां नहीं था, एक भी लेफ्ट पार्टी का कार्डर या नेता वहां नहीं था। वो रैली में चल रहे थे और रैली में वापस अपने अपने बॉर्डर पे पहुंचे हैं, वहां से वो डिस्पैच हुए, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, बीजेपी और सुधांशु जी अराजक तत्वों को नेतृत्व करने वाले बहुत हराई ग्राउंड ना लें। बाबरी मस्जिद में राष्ट्रीय स्मारक तोड़ने में इन्होंने पूरे दंगे करवाए और देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाया। साध्वी प्रज्ञा जो गॉडसे की पुजारी है उसको इन्होंने टिकट दिया, गांधी के हथियारों के इन्होंने रिवॉल्वर पहुंचवाई, ये किसको बात कर रहे हैं? और हम इस हिंसा की निंदा करते हैं, पर हम ये भी मांग करते हैं कि 39 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर से वो लाल किलो पहुंच कैसे गए, 42 किलोमीटर वो टीकरी बॉर्डर से बाहर कैसे आ गए, ये हम जानना चाहते हैं। नागलोई पे जब सुबह उन्हें रोका तो हमने उनको रास्ते में बाकायदा वापस भेजा। क्यों बैरिकेड लगाए पुलिस ने एक्सेप्टेड रूट्स पे? राकेश टिकट भी ये बात कर रहे हैं, कक्का जी भी ये बात कर रहे हैं कि पुलिस ने जो रूट दिया उस पर बैरिकेड क्यों लगाए? क्योंकि बीजेपी वाले चाहते थे इन्होंने ऐसे तत्व भेजे होंगे जो हिंसा हो, और ये सारे वो किसान हैं जो हमारे नेतृत्व में शामिल नहीं है, ठीक है, ये हमारे लोग ही नहीं है, ये इनके डेफिनेटली ये इनके प्लांटेड लोग होंगे या ये कुछ भटके हुए लोग होंगे, ये किसान नेतृत्व के अंदर के नहीं है, ये कतई झूठ है। भटके हुए लोग से बड़ी, हम शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पॉलिटिकल याद आ गई, परंतु साथ ही साथ बात ये भी है कि सरकार भी बताए कि तारीख कौन दे रहा था किसानों की। 150 किसान सर्दी में 0 डिग्री में मर गए, सुधांशु जी कहाँ थे? आपकी सोच दर्शक देख रहे हैं, पहले आपकी आप इसकी तुलना बाबरी मस्जिद के विध्वंस करने से लेकर हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ये साजिश है इनकी तरफ से, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इन्हीं के प्लांटेड लोग होंगे, फिर आप कह रहे हैं कुछ भटके हुए लोग होंगे। प्रोफेसर साहब आप तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।